हेलो दोस्तों, मैं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं शांति नगर कादरी रोड ताजू शरिया चौक पर, जहां पर आज एक मामला सुबह सवेरे सामने आया कि घर जो है, घर की दीवार वो एक दूसरे घर पर गिर गई। वो कैसे कि जो घर था उसके ऊपर एक घर बनाया जा रहा था, तो उसकी जो दीवार थी वो दीवार नीचे वाले घर पर गिर गई। कहना या सुनने में ये आया है कि जो घर बन रहा था वहाँ पर कुछ ड्रेनेज का काम हो रहा था, और ड्रेनेज के काम के लिए जो मिट्टी को खोदा जा रहा था, तो उसके प्रेशर से वो जो दीवार थी वो नीचे वाले घर पे गिरी। उस घर में एक बूढ़ी महिला जिसकी उम्र तकरीबन 60 से 65 साल बताई जा रही है, जो कि उस दीवार के गिरने से वो ज़ख्मी हो चुकी है। स्थानीय लोगों ने उनको बचा कर वहाँ से IGM हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया है। उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। अब यहाँ पर जो मौजूद प्रशासन के लोग थे और जो स्थानीय लोग यहाँ पर हैं, आइए उनसे बातचीत करते हैं कि ये मामला कैसे हुआ और कब हुआ। आज यहाँ पर दीवार गिरी है, कितने लोग जख्मी हुए हैं और क्या मालूमात मिली आपको और कितने बजे घटना हुई? हमको मालूमात 10 बजे मिली, हम 10:30 बजे तक इधर आए। तुरंत इधर हमारी प्रभाग समिति 1 और 2 की टीम, शहरी विकास की टीम आई, आपातकालीन की टीम तातली साहब की, और जगह पे आके जो आदमी जख्मी हुआ है उसको IGM में एडमिट किया है। उनका नाम हसीना है, 65 साल उम्र है, और अभी आगे का काम हम लोग हमारी टीम कर रही है। पेशेंट ज़्यादा गंभीर है? मीडियम है। क्या किस मतलब क्या लगता है आपको, किस कारण यहाँ से गिरा होगा? क्योंकि देखा जाए तो इधर डोंगरी बाग है, इधर पहाड़ी इलाका है, वो मट्टी घिसने से ये काम है। और कोई जख्मी हुआ नहीं हुआ है, बाकी का काम हम लोग कर रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह से देखा जाए पहाड़ी इलाका भी है और यहाँ पर लोग रहते भी हैं, कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि इंतजार के साथ रहवासी इलाका है, तो ऐसे हो सकता है बारिश ज़्यादा गिर रही है, हवा छूट रही है, उसके हिसाब से हादसा हो गया है।